गुजरे जमाने की मशहूर अदाकारा नरगिस दस्त भारतीय सिनेमा की बेहतरीन अभिनेत्रियों में शुमार हैं। उनकी एक्टिंग इतनी बेमिसाल थी कि महज 20 साल की उम्र में ही 8 फिल्में कर वो फिल्म इंडस्ट्री का चमकता सितारा बन गई। उन्होंने फिल्मों में हर तरीके के किरदार को अदा किया और अपनी फिल्म की भूमिका में अपने अभिनय से जान डाल दी। अपनी प्रतिभा से सिने प्रेमियों के दिलों पर राज करने वाली नरगिस दत्त का आज जन्मदिन है। पेश है कीर्ति शेष में हमारी ये खास रिपोर्ट। नरगिस दत्त वो अदाकारा जिन्होंने फिल्म इंडस्ट्री को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया, शायद इसीलिए उनके निभाए किरदार आज भी लोगों के जहन में ताजा हैं। फिल्म तलाश हक से अपने करियर की शुरुआत करने वाली नरगिस का जन्म 1 जून 1929 को हुआ था। उनका असली नाम फातिमा रशीद था, लेकिन बॉलीवुड की चमक ने फातिमा को नरगिस बना दिया। नरगिस ने मदर इंडिया के अलावा आवारा, श्री 420, बरसात, अंदाज, लाजवंती, रात और दिन समेत दर्जनों कामयाब फिल्मों में काम किया। इस बीच राज कपूर के साथ उनकी जोड़ी विशेष रूप से सराही गई और दोनों की जोड़ी को हिंदी फिल्मों की सर्वकालीन सफल जोड़ियों में गिना जाने लगा। ये वो दौर था जब नरगिस और राज कपूर के अफेयर की चर्चा हर किसी की जबां पर थी। हालांकि दोनों की मोहब्बत शादी का रूप नहीं ले पाई और एक लंबे वक्त के बाद नरगिस ने राज कपूर से रिश्ता खत्म कर लिया। दरअसल महबूब खान की फिल्म मदर इंडिया में नरगिस सुनील दत्त की मां की भूमिका में थी। मदर इंडिया की शूटिंग के दौरान सुनील दत्त ने नरगिस को आग से बचाया था, जिसके बाद दोनों करीब आ गए और नरगिस ने उसी दिन से सुनील दत्त को अपना जीवन साथी चुन लिया। शादी के बाद नरगिस ने फिल्मों में काम करना कम कर दिया, लेकिन करीब 10 साल के बाद अपने भाई अनवर हुसैन और अख्तर हुसैन के कहने पर नरगिस ने फिल्म रात और दिन में काम किया। इस फिल्म के लिए उन्हें राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया। ये पहला मौका था जब किसी अभिनेत्री को राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया। नरगिस को अपने सिने करियर में बहुत सम्मान मिला। वहीं आज नरगिस और सुनील दत्त के 3 बच्चे हैं, जिनके नाम हैं संजय दत्त, अंजू और प्रिया। वर्तमान में संजय दत्त एक उम्दा फिल्म कलाकार हैं, तो वहीं प्रिया दत्त राजनीति में अपनी एक अलग पहचान रखती है। नरगिस पहली अभिनेत्री थी जिन्हें पद्मश्री पुरस्कार से नवाजा गया था और जो राज्यसभा सदस्य भी बनी। इसी बीच 3 मई 1981 को कैंसर से जूझ रही नरगिस दुनिया से सदा के लिए रुखसत हो गईं।